छह घंटे का सारा बड़ी तरह शुरू किया। आज उसका दूसरा दिन है। मेरी आवाज पीछे से आ रही है? यस सर। तो मेरी आवाज भी कम कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग की आवाज से बदल बदल एग्जाम हो रहा था, उनकी परीक्षा हो गई थी तो उनको कठिनाई थी, तो हम लोग उसकी आवाज को कम कर दिए। हम लोग सब सुन पाए बाहर लोगों की परीक्षा दे रहे थे। आप लोग परीक्षा दे रहे होते और आवाज हर दिन जो भी कठिनाई होती है तो हम लोग आपस में जब बातचीत करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर बदल के कम लोग है परीक्षाएं चलें। कल का दिन आप सब लोगों के साथ हम लोग शाम में आप लोग के जाने के बाद चर्चा कर रहे थे कि कल का दिन बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, हम लोग काफी आप लोग के साथ खुश रह पाए, हंस पाए और हम लोग को जो भी अपेक्षा थी कि आप लोग किन किन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे उनसे बहुत अधिक प्रश्नों से उत्तर आप लोगों ने। जैसे उस पर थोड़ी चर्चा हो गई फिर से पूछा गया तो उसके उत्तर भी आप लोगों के तरफ से ये देख करके हम लोग आपसे बड़ी बधाई है काफी आप लोग आठवीं क्लास में है और आठवीं क्लास में रहते हुए सारी बातों पर गहराई से अपनी बात को उत्तरित कर सकते। दूसरी बात जो थी कि हम लोग को ऐसा लगता था कि आप लोग शायद अपनी बात जो कहते हैं अपने तरफ से आप अपना कुछ बोलने में या कहने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन कल दिन में ऐसा भी नहीं लगा, शुरू में थोड़ा लगा लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने दोपहर लंच के बाद अपने 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 बारे में परिचय रखा और लेकर के बातें कही वो भी काफी अच्छा रहा करके अगर देखें तो आप लोगों ने किया। तीसरी बात हमको ऐसा लगा था कि हम तो किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं, कानपुर से दूर से, आप सब लोग तो हर एक साथ रहने वाले हैं, आप लोगों से थोड़ा दोस्ती होने में दो तीन दिन लगेगा लेकिन हमें लगता बहुत जल्दी हो गई आप सब लोगों ने जिस तरह से होमवर्क को किया है और उसमें से कुछ लोगों ने अपनी बात को कही है, कुछ लोगों ने बात को नहीं कहा है, लेकिन सभी लोगों ने यही एक अच्छी बात रही है। पांचवी बात ये अच्छी रही है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने जो परिवार में चर्चा करने को कहा गया था, परिवार में पूछे कि ये बातें नहीं है कि कितने लोगों ने चर्चा की, तो हाँ कुछ और बात आपने से किसी ने किया हो अपने परिवार में कल की चर्चा पर तो बता सकते और परिवार के लोगों ने जो कहा नहीं बता सकते, इसलिए आपके अपने फैमिली में समय संबंध सुलझा के बात के अलावा किसी बात पे चर्चा की हो? नाम भी बता दे। मेरा नाम करिश्मा है और मैंने जो सर का जो समझाया तो मेरे पापा मम्मी से बात की थी, मेरे पापा मम्मी ने बोला कि तीनों चीजें घर की पूरे जीवन में किसी को नहीं छोड़ना। आपने ये पूछा आज के दिन जो पूरा कर पा रहे हैं कि कुछ छूट रहा है, ये पूछा
आज ये प्रश्न सब लोग ये तीनों जरूरी तो है, लेकिन क्या हमारा परिवार इन तीनों को पूरा कर पा रहा है या छूट रहा है, एक तो ये प्रश्न पूछेंगे। दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे, अगर तीनों जरूरी है एक नंबर पे किसको रखें, दो नंबर पे और तीन नंबर पे किसको रखें, पूछेंगे इसको। और एक और प्रश्न पूछ लीजिएगा कि आज के दिन हम ज्यादा दुखी किससे, सुविधा की कमी के कारण कि संबंध की कमी के कारण, हम लोग को लगता है परिवार वालों से पूछेगा। फिर पूछिएगा पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कौन सा, कि जो समय आप लगा रहे हैं सुविधा पर जितना लगा रहे हैं संबंध पे भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, तो हम लोग को लगता है ना, उनको क्या लगता है ये पूछेंगे।
आज के लिए तीन ही प्रश्न लिख रहे हैं, दो प्रश्न कल के लिए। तीन प्रश्न लिखा समझ संबंध सुविधा तीनों को पूरा कर पा रहे हैं हम लोग या तो छूट रहा है परिवार को पूछना है। दूसरा ये पूछना है समझ संबंध सुविधा का सही क्रम क्या होगा और तीसरा ये पूछना है कि परिवार में ज्यादा बार दुखी किस कारण से होते हैं, किस कारण से होते हैं होते हैं सुविधा के अभाव के कारण या संबंध का ठीक से निर्वाह न होने के कारण। ये तीन प्रश्न परिवार के लोगों से पूछना है। उत्तर आएगा उसको आप उसको बात नहीं करेंगे।
आपके पास में रखी थी, आप उनके पास में गैस में करंट है, आप उसको खोलेगा ठीक। अब ये खोलेंगे आपसे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। शुरू में हम लोग 10-15 मिनट कल जितनी बात हुई थी उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो कल वाली बात तो ये हुई कि हम सभी जिंदगी में हर साल कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करते हैं। तो हमको लगता है कि इस साल 8वीं क्लास पास करना है, अगले साल में भी पास करना है, 10वीं पास करना है, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन थोड़ा फिर ख्याल करके सोचे तो एक और प्रश्न खड़ा होता है कि भाई इस साल का लक्ष्य तो 8वीं पास करना है, 2 साल बाद का लक्ष्य 10वीं पास करना है, 4 साल बाद का लक्ष्य 12वीं पास करना है, 10 साल बाद का लक्ष्य नौकरी करना है, लेकिन इस जिंदगी का लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न ध्यान में है। तो हम लोग हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो कल चर्चा हुआ, तो कल चर्चा में जो बात ध्यान में आई कि लक्ष्य को देखने जाए तो चाहना तो क्या, हम क्या लक्ष्य के रूप में चाहते हैं, उस पर 3 मुख्य बातें हैं, बनना, बन करके कुछ करना या पाना, करके और पा करके कुछ खोना। बनने के लिए रास्ता का पड़ेगा, तो डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, पुलिस बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज में भी भाग लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, डीएम बनना है तो आईएएस पास करना पड़ेगा। ये सब क्या है? प्रयास। क्या बिना प्रयास के कुछ बन पाएंगे? अच्छा, बनना हम चाहते हैं और प्रयास करने के लिए कोई दूसरा बार बार याद दिलाए तो बन पाएंगे? रास्तों में भी बनना चाहते हैं तो उसका पहचान ये होगा कि प्रयास भी हम खुद ही करते हैं, और अगर हम नहीं बनना चाह रहे, दूसरों को देखकर हमारे मन में इच्छा आ गई है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, उसकी पहचान ये है कि फिर घर वाले, घर के लोग और अपने लोग, टीचर लोग याद दिलाते हैं कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन अगर आपको खुद से चुना है कि आपको ये करना है, उसकी पहचान ये है कि उसका प्रयास आप खुद ही करेंगे कि दूसरों को याद दिलाना पड़ेगा, ये आप खुद तय कर लेना। आपने जो बनने का प्रयास किया है, कर रहे हैं, आपने खुद तय किया है कि किसी और ने तय किया है। अगर आपने तय किया है तो उसकी पहचान ये होगी कि उसके लिए प्रयास करने में आप खुद ही जागरूक रहेंगे, खुद ही रोज उसके लिए क्या प्रयास करना है करेंगे, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं फिर उस पर इस बात पर प्रश्न खड़ा होता है कि वो फिर आपने खुद से तय किया है, ऐसे ही ऊपर ऊपर कुछ मांग लिया है, कल को वो फिर बदल जाएगा, ऐसे में फिर वो हासिल भी नहीं हो पाए। तो ये आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा कि आपने खुद से तय किया है या कहीं से ऐसे ही थोड़े समय के लिए मांग लिया है। अगर खुद से तय किया तो उसकी पहचान नहीं होगी, तो उसके लिए जो भी प्रयास करना है वो आप खुद से याद रख के करते रहते हैं, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने डॉक्टर बनने का निर्णय बना लिया और खुद से बनाया तो हमारे घर के लोगों को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि इसके लिए पढ़ाई करो, इसके लिए बारहवीं से पढ़ो, इसके लिए ये पढ़ो, इसके लिए ये तैयारी करो, फिर आप खुद ही करते हैं, बल्कि पूछते हैं कि इसके लिए और क्या कर सकते हैं। शिक्षकों से भी देखेंगे तो शिक्षकों को भी याद नहीं दिलाना पड़ता, फिर हम खुद ही उसको याद रखते हैं, हम खुद शिक्षकों के पास जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया है और क्या पढ़ रहे हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो पूरा हो जाए। तो ये पहचान है इस बात की कि हमने खुद से प्रयत्न किया। मैं अगर आपको अपनी स्थिति बताऊं तो मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं
पॉइंट के बाद कह दिया कि मुझे बनना है तो दो तीन महीने चार महीने तो ऐसे ही बीत गए, कभी किताब पलट के पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ लिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो पढ़ लिया। हमको दो तीन महीने बाद एक बार पिताजी ने हमसे बुला कह दिया कि भाई देखो हमारी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी तुम इंजीनियर बनो या मत बनो, हम तो खेती कर रहे तो चाहो तो आप से कर लो या चार साल बात करने लगता हमारे साथ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम बनना इंजीनियर चाहते हो और उसके लिए तो प्रयास कर रहे हो कर नहीं रहे हो तो फिर बात में दुखी बनो, तो हमको ये बात ठीक लगी बनना मैं चाहता हूँ है ना, तो या तो कह कर लो तो बनना चाहता हूँ तो उसके लिए प्रयास करते हैं पता लगा वो करूँ और नहीं तो मैं छोड़ दूँ कि भाई मैं नहीं बनना चाहता तो छोड़ कर लेगा। अभी जो दिक्कत होती है हम लोग के साथ, हम बनना कुछ और चाहते हैं और प्रयास कुछ और कर रहे हैं, नहीं तो बनना डॉक्टर चाह रहे होते हैं और प्रयास के और लगा रहे होते गए तो अगले आज शाम से लेकर के अगले दिन तक डॉक्टर बनने के प्रयास के अपने जो करना था वो करने की जगह कुछ और कर रहे हो। अगर प्रयास कहीं और लग रहा है बनना कुछ और चाहते हैं तो सफलता मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। उसका दूसरी बात एक बात बात देखा गया कि जो भी बनने का हमने तय किया है उसकी पहचान ये है कि अगर हमने तय किया है तो उसका प्रयास भी हम खुद करते हैं, अगर हमने नहीं तय किया है तो हम तय किसी के प्रभाव में आके कुछ कर लेते हैं और प्रयास कहीं और चलता रहता है, इसलिए परिणाम नहीं आता बाद में फिर पछतावा होता है, दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तमाम तरह की समस्या है। ये बात ठीक लग रही है। इसका निष्कर्ष ये है कि आप अपने को जांचिए कि वास्तव में जो बनने का आपने तय किया है आप ही ने तय किया है या टीवी फिल्म किसे कहानी सुन के आपके मन में बैठे हैं। अगर आपने तय किया होगा तो उसकी पहचान क्या होगी, आप ही ने तय किया होगा जो बनना है तो उसकी क्या पहचान होगी, उसके लिए जो भी प्रयास करना आवश्यक है वो आप दूसरे के कहने पर कर रहे होंगे खुद ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात तो आप लोग सोच के कल बताइएगा कि वास्तव में जो बनने का आपने तय किया है उसका प्रयास आप अपने मन से करते हैं या दूसरों को बार बार याद दिलाना पड़ता है, और अगर दूसरे ही बार बार याद दिला रहे हैं तो वास्तव में जो बनने का तय किया कि आप तय किया कि फिल्म देख करके कोई और देख करके कुछ और देख करके ऐसे कर देगा, लेकिन अगर आपने तय किया तो उसकी पहचान नहीं होगी कि आप सोते उठे तो बाद में याद पहले आ जाएगा कि आप ये प्रयास करना कल ये प्रयास करना है। दूसरी बात हम लोगों ने ये किया कि कई बार हम कुछ बनने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए देश के 10 लाख बच्चे डॉक्टर बनने का प्रयास है लेकिन साल भर में डॉक्टर तो कुछ 10,000-20,000 बच्चे बन पाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे डीएम बनना चाहते हैं, कम से कम 8-10 लाख बच्चे हर साल डीएम बनने के लिए परीक्षा देते हैं, कितने बच्चे उसमें से डीएम बन पाते हैं, मुश्किल से 200-150 तो 10 लाख में कितने 0.001% परसेंटेज निकालना पड़ा होगा ना आप लोगों ने मैथ में, मैं जाऊंगा नीचे तो रुपए भी आपने आपको आता है लेकिन ठीक से देखेंगे तो ये तो समझ में आता है कि 10 लाख में कितने बनेंगे, 100 या 200 बनेंगे, यानी कि 990,000 कुछ लोग तो नहीं बने, ये तो क्या है, तो क्या वो सुखी समृद्ध रहने के अधिकारी, वो सुखी समृद्ध रहे जीवन जीने का आदमी है, तो उसमें क्या घटना घटी कि भाई एक रास्ता हमने चुना है ना, अब रास्ता बंद हो गया तो क्या जिंदगी बंद हो गई, दूसरे 100 रास्ते उसमें से कोई रास्ता पता नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी
जब हम रास्ते को ही क्या मान के चलने लगते हैं, लक्ष्य। अगर रास्ते को ही मंजिल मान ले और रास्ता पीछे छूट जाए तो लगता है जिंदगी पीछे छूट गई। हमने फार्मेसी के बच्चों को पढ़ाया तो फार्मेसी बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने की इच्छा से पढ़ाई करते हैं और आठवीं सातवीं छठी क्लास से शुरू कर देते हैं, पता चला आपने एडमिशन नहीं हुआ तो फार्मेसी पढ़ने चले गए। कई बच्चों को देखा है जो इंटर में हाई स्कूल में 80% 85% अच्छा नंबर लाए, लेकिन जब फार्मेसी करने आए तो पढ़ाई में पता नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बनना कुछ और था, हंसते और गए। अब पूरी रिश्ते एकदम भुटक सी दिखती है, लेकिन अगर ये स्पष्ट है कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया जो हम बनना चाहते बन गए बहुत अच्छा, नहीं बने तो जिंदगी में गलत हो, फिर तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे उससे पहुंचेंगे। तो कल ये दूसरी बात, लक्ष्य हमारा सबसे समृद्ध होना है, आईएएस बनना, डीएम बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस बनना, सेंसर डिजाइनर बनना, ये सब लक्ष्य नहीं रास्ते। रास्ते पे ठीक से प्रयास करेंगे तो पहुंच भी सकते हैं, प्रयास आधा अधूरा हो गया, स्थिति परिस्थिति बिगड़ गई भी पहुंच सकते, नहीं भी पहुंचे तो रास्ता बदल के पहुंचे। ये बात करके इस पर एक प्रश्न आप लोगों का, इस अनेक बात के लिए बार स्पष्ट हो जाए कि सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो उसके लिए सुविधा चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो सुविधा कैसे आएगा? आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा आएगा उससे सुविधा। सुविधा आ गई तो सुखी होने का कार्यक्रम पक्का हो गया, क्योंकि जितना दुख सुविधा के कारण था सिर्फ उतना ही दूर होगा, जो दुख सुविधा से नहीं दूर हो सकता वो नहीं है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ, शायद हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे दुख भी हैं क्या जिनका सुविधाओं से बहुत लेना देना नहीं? तो पता लगा कि रोज कोई ना कोई हमको कुछ ऐसा बोल देता है जिससे हम अपमानित हो जाते हैं, रोज कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे लगता है विश्वास टूट रहा है, रोज कोई ना कोई घटना ऐसी हो जाती है जिससे लगता है कि आज के दिन इतना बड़ा अपमान हो गया, अपनी क्लास में हो गया, दस लोग के सामने हो गया, है ना, लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे मन में विरोध चल रहा है। अब इन सारे उदाहरणों में देखेंगे तो सुविधा का कोई लेना देना हम कुछ बोल दें जैसे आपका अपमान हो जाए, इसमें सुविधा का क्या लेना देना? इससे भी दुखी होते हैं कि नहीं? इससे दुखी होते परिवार में ज्यादा बार किससे दुखी हो रहे हैं? छोटा भाई है उसको सम्मान करना क्या हो नहीं करना, है ना, बड़े लोगों को आप पर विश्वास करना था वो नहीं कर रहे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो उसको सुनने को ही नहीं तैयार है, सुन भी रहे हैं तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, और फिर परिणाम गलत आ जा रहा है तो आरोप आप पे बढ़ा जा रहा है। आगे कितनी पीड़ा है, ये पीड़ा सुविधा के अभाव की है कि संबंध ठीक ना होने के, तो दूसरी बात ये इस सुविधा से बहुत सारे दुख हमारे दूर तो होंगे, लेकिन बहुत सारे दुख जिंदगी के परिवार के बचे रह जाते हैं जो सुविधा से दूर नहीं होते, उसके लिए क्या आवश्यक है? संबंध में ठीक ठीक जीना, और हम संबंध में ठीक ठीक जी सके इसके लिए संबंध को समझना पड़ेगा कि बिना समझे जी कल बात हुई थी कि हम सब संबंध को जब जीना को चाहते हैं जीने का प्रयास भी करते हैं, झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो दुखी होते हैं, दूसरा भी दुखी होता है, फिर किसी तरह से बातचीत करके झगड़ा ठीक होता है, झगड़ा ठीक हो जाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि अब आगे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन दो चार दिन बीतते बीतते फिर से झगड़ा हो जाता है। तो अगर आप जब से आपकी जीवन का ध्यान है आप तब से लेके आज तक कितनी बार झगड़ा हुआ होगा अलग 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 लोगों से, 10 से अधिक बार कितने लोगों का झगड़ा आज तक हुआ होगा? अच्छा इसमें थोड़ा और पूछता हूँ, एक बार एक ही आदमी से 10 से अधिक बार कितनी बार झगड़ा हुआ वो तो एक आदमी है जिससे 10 से अधिक बार झगड़ा हुआ है, आप उसको सुखी करना चाहते हैं दुखी करना चाहते हैं? सुखी करना, बल्कि वो पूछू सिर्फ सुखी करना चाहते हैं या उसको सुखी करने के लिए थोड़ा बहुत दुख उठाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार होते हैं? तैयार है। झगड़ा हो जाए
झगड़ा हुआ तो जिम्मेदार कौन होता है झगड़े का? ये सिर्फ कहने के लिए कि उस समय भी ऐसा सोचते उस समय क्या लगता है दोनों है कि वही है? उसको क्या लगता है? हमको लग रहा है वो जिम्मेदार है, उसको लग रहा है जिम्मेदार है, तो मामला यहाँ कौन खत्म होता है? वो कोशिश करता है कि हम ठीक हो जाए, और हम तो पहले ही मानने बैठे हैं कि हम ठीक है, ठीक उसको होना, इसलिए वो जितना प्रयास करता है हमारा गुस्सा वो बढ़ता है। अच्छा हम क्या प्रयास करते हैं? वो ठीक हो जाए, और वो अपने को ठीक माने बैठा है, हम उसको ठीक करने जाते हैं उसका गुस्सा बढ़ता है, दोनों तो कोई ठीक होता है। इसलिए बार बार झगड़ा ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ होता है कि बड़ों की हालत कुछ ऐसा है? तो क्या बात निकल गया है कि संबंध में हम जीना तो चाहते हैं, कमिटमेंट भी रखते हैं, कमिटमेंट समझते निष्ठा कमिटमेंट भी रखना चाहते करते हैं, किस हद तक कमिटमेंट रखते हैं कि दूसरे को जो दोस्त है परिवार के लोग हैं अगर उसको सुखी करने के लिए थोड़ा आपको दुखी भी होना पड़ता है तब भूल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंध में बाधा होती है। क्योंकि संबंधों के नियमों को हमने नहीं समझा, क्या कारण दिया था? जैसे मैथ पढ़ते हैं, मैथ के दो नंबरों को जोड़ना है, बिना नियम के जोड़े जा सकते हैं? बिना नियम के जोड़े जाएंगे तो बार बार गलती है, नियम समझ लिया तो आपने एक बार नियम दूसरी क्लास में पहली क्लास में समझा होगा, अभी आप सो भी रहे हो, आगे कोई दे दे कि ये दो नंबर है जोड़ के दिखा दो, सही जोड़ के दे देते हैं, नियम समझ में आ जाए तो हर बार सही जोड़ता है। जैसे एक नियम आपको समझ में आ गया है, ये कोई ठोस वस्तु है, ठोस है कि गैस है? ठोस वस्तु। इसको अगर कभी भी रखूंगा तो किसके ऊपर रखूंगा? उसकी ठोस वस्तु के ऊपर। अगर इसको हवा में रखूंगा तो टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है? तो आप कभी भी इसको हवा में रख के जाने की कोशिश करते हैं या हर बार किसी ठोस वस्तु में? ठोस वस्तु में। ये समझ में आ जाने का मतलब ऐसे संबंध में जब समझ में आ जाता है तो फिर गलतियां होगी समझ में आ जाने तो शुरू हो जाती है कि जब तक समझे नहीं रहते तब तक शुरू रहती है। तो तीसरी बात महत्वपूर्ण निकल गया है, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये सब ठीक ठीक कर सके इसके लिए तो ये क्रम पे हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर ये ठीक से हो जाता है तो ये ठीक से कर सकते, और ये दोनों ठीक से हुआ तो हम और हमारे परिवार के लोग मिलकर इसको भी ठीक से कर सकते, अगर ये ठीक नहीं हुआ ये ठीक नहीं हुआ तो क्रम क्या हुआ? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। फिर आगे बात ये होने से कि पशुओं को अगर देखेंगे, गाय को, धना, भैंस को, अन्य पशुओं को, तो उनका जीवन जीने का कार्य तो कैसे चल रहा है? घास मिल जाए, पानी मिल जाए, छत मिल जाए, लेकिन आदमी को देखें खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, घर मिल गया, तो पशु की तरह आराम से नहीं बैठ पाए, वो तुरंत रिमोट उठाएगा टीवी का चैनल बदल लेंगे, गाय को जरूरत नहीं है टीवी का चैनल बदल लेंगे, आप तो पेट नहीं भरा जब तक तब तक किचन की तरफ देखते रहे और पेट भर गया तो टीवी की तरफ देखते टीवी में भी एक ही चैनल देखते रहते हैं, 200 चैनल पलटते हैं, कहीं एक जगह अटकते हैं, थोड़े देर तक अटके रहते हैं, फिर पलटने लगते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका काम सिर्फ सुविधा से खाना पीना मिल गया, उसके बाद आपको इसकी चिंता शुरू होती है कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे कौन अच्छा सोच रहा है, कौन खराब सोच रहा है, मेरा लोगों में सम्मान बढ़ रहा है कि सम्मान घट रहा है, ये सब सोचना शुरू करते हैं कि नहीं? और भी कुछ सोचना शुरू करते हैं, जैसे आप ध्यान दिए होंगे आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे ना, तो वो कभी आपके साथ घूमने जाते होंगे, कोई मिल गया तो पूछते होंगे ये कौन है, उसका नाम बताते होंगे,
तो वहीं रुक जाता है तो कुछ और प्रश्न करता है, कहाँ से आते हैं, बहुत सारे प्रश्न करता है। आपके साथ घूमने गया तो कुछ पेड़ देख लेगा कि किस चीज का पेड़ है, इसका क्या होता है, ये सारे प्रश्न आते हैं। आप लोग भी देखे कभी घूमते टहलते कोई नया पेड़ दिख गया तो आप उसके बारे में जानने को इच्छुक होते हैं, जानने को इच्छुक होते हैं कि नहीं। आप रात में छत पे सो रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं, तारे दिखते हैं, तारों के बारे में भी जानने का मन होता है कि नहीं। सूरज है, चंद्रमा है, पहाड़ है, पूरी पृथ्वी है, कई तरह के जीव, ये सबके बारे में जानने का मन करता है। आप समझना चाहते, अपने को भी समझना चाहते, परिवार को भी समझना चाहते, समाज को भी समझना चाहते हैं और इस पूरी प्रकृति को भी समझना चाहते हैं। कितना हम सब बीच में कहीं रुकना चाहते हैं क्या? परिवार तक समझने से बाकी से कोई मतलब ऐसा क्या? आप अपने को भी समझना चाहते हैं, अपने परिवार को भी और समाज को भी और पूरी प्रकृति, इतना सारा आप समझना चाहते हैं, इतना समझकर संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए आवश्यक सुविधा को जुटाना चाहते हैं। ये सारा काम करना चाहते हैं तो छोड़ना चाहते हैं, ये सारे के प्रति प्रयास करते करते हुए जीने को ही कहा मानव। और खाली जिस दृष्टि से पढ़ाई करना, नौकरी लग जाए, पैसा मिल जाए, सुविधा जुटा ले, पशुओं की आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी, 1,00,000 रुपए की सैलरी मिल गई और घर के एक भी सदस्य से ठीक से बात नहीं हो पा रही, पैसे 1,00,000 रुपए की नौकरी तो मिली लेकिन घर के एक भी व्यक्ति से संबंध पूर्वक बात नहीं हो पा रही। जिंदगी सफल है असफल? पैसे के साथ साथ परिवार भी आवश्यक है, समाज में व्यवस्था पूर्वक निधि का आवश्यक है, प्रकृति के साथ भी व्यवस्था पूर्वक जीना आवश्यक है। इतना सारा समझने का होता है, सबके साथ जो जी रहे हैं, सब पढ़ाई का प्रयास कर रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को कहा आप खुद ही तय करें आप दोनों चेतना में से कौन सी चेतना में जीना चाहते हैं। थोड़ा हम लोग आवाज को कम रखेंगे तो थोड़ा परीक्षाएं ये इस बात का प्रमाण होगा कि हम समाज की भी चिंता कर रहे हैं, मतलब मानव चेतना से। नहीं तो खाली हम लोग अपनी क्लास का ध्यान रखें, अगर बगल का नहीं तो फिर मानव चेतना नहीं, मानव चेतना का मतलब अगर बगल की परीक्षा भी ठीक से चले। किस बात में हमें थी, किसी बात क्या अपने आस पास देखे समाज, बहुत सारे लोग तो ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पास सुविधाओं की कमी है, दुखी है और गरीब है, सड़क पर देखिए तो लोग भीख मांगते दिखाई देते हैं, वो सब इसके आगे बहुत सारे लोग आपको समाज में ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनके पास बहुत सारी सुविधा फिर भी दुखी है। मैंने बात बताया बहुत सारे लोग समाज में ऐसे दिखाई देते हैं जिनके घर जाइए तो सोचते हैं कि आए हैं तो खा के ही जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये जाए तो तो एक तीसरी स्थिति है सुविधा संपन्न सुखी सुविधा। हम तीनों में पहुंचना कहाँ चाहते तीसरे संपन्न में पहुंचना, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके तीनों में कहाँ पहुंचना चाहते हैं और इस तीसरे नंबर को पूरा करने के लिए एक इस खाली 3 नंबर से जो हो सकता है यहाँ से यहाँ पहुंचा जा सकता है, यहाँ पहुंचने के लिए तो तीन और हम सब चाहते यही है, इसलिए करना तो तीन कदम क्या है। जो भी आप लोगों ने 8-10 साल की शिक्षा पाई है उसमें ये तीनों पूरा हो पा रहा है कि कुछ छूट रहा है, छूटने को ही हम सब लोगों को पूरा तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये चर्चा की कि इस पूरे कार्यशाला में हम लोग क्या करेंगे, ये कार्यशाला है, वर्कशॉप है, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे,
बातचीत को क्या कहा था? संवाद। संवाद करेंगे अर्थात बातचीत। ये बातचीत हमारे और आपके बीच में शुरू हुई जो कल से चल रही। हम कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, हमारे और आपके बीच में संवाद शुरू होगा। कल से चल रहा संवाद, लेकिन धीरे धीरे वो संवाद आपके भीतर भी चलने लगेगा। कल मैंने उदाहरण बताया कैसे, जैसे आप कई बार देखते होंगे परीक्षा देने आना है, तो उसे दो घंटा पहले अपने भीतर सब परीक्षा में ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये आएगा तो ये लिखेंगे, ये सब चल रहा होता है। कहीं यात्रा पे जा रहे हैं आप, ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठे बैठे जहाँ जा रहे हैं कहीं वहाँ के बारे में आपको ध्यान आने लगे, वहाँ जाएंगे वो मिलेगा, वहाँ नदी होगी, ये फूल होगा, ये पहाड़ होगा, ये सब याद आने लगता है। तो जो सब याद आता है तो बैठे बैठे वहाँ के पूरे चित्र भी दिखने लगते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा टीवी पे फिल्म देखते हैं सर, टीवी पे फिल्म चलती है या आपके भीतर भी चलती रहती है? उसमें लोग होते हैं, उनसे बातचीत चल रही होती है, किसी की बातचीत अच्छी लगती है, किसी की खराब लगती है। ये सारा सिर्फ फिल्मों में होगा, आपके भीतर भी चल रहा है। जो अपने में ही जो ये फिल्म सी चल रही है, अपने अंदर ही लोगों से बातचीत चल रही है, इसमें कुछ हमको अच्छा लगता है, कुछ कौन सा वाला अच्छा लगता है, कौन सा वाला खराब लगता है, उसका अगर अध्ययन कर लिया जाए तो ये बात समझ में आता है कि हमारे भीतर दो तरह की वास्तविकता, दो तरह की वास्तविकता, एक जैसा हम और दूसरा जैसा हम सहते हैं। जैसे कई बार आप बैठे बैठे ये सोच रहे होते हैं, आज उसने क्लास में हमको चार दोस्तों के सामने ऐसा खराब बात क्यों बोल दिया, बोल दिया, आपको सम्मान लगा, अपमान लगा। तो अब आपके भीतर उस आदमी के लिए अपमान चल रहा होता है। कई बार किसी दिन कुछ अच्छी बात कर देता है तो उसी के लिए सम्मान। तो जैसा आप हैं अगर उसको देखने जाए तो कभी आपके भीतर लोगों के लिए अपमान चल रहा होता है, कभी आपके भीतर सम्मान। सही है, लेकिन अगर आप अपने से पूछिए कि सहज स्वीकार क्या है, सम्मान या अपमान? सम्मान। तो सहज स्वीकार सम्मान है, जैसा हमने आपको सहज स्वीकार है, लेकिन जैसा आप है उसकी स्थिति क्या है, कभी सम्मान चलता है कभी अपमान। ऐसे ही कई बार जितने लोगों के साथ आपका जीना होता है, कई बार आप उनके लिए संबंध के आधार पे सोच रहे होते हैं कि भाई संबंध और अच्छा हो जाए और ठीक हो जाए, कई बार थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं तो विरोध का भी सोचने लगते हैं, आज इसको हम चार दोस्त हो गए हैं, कल अकेले थे, आज भिड़ेंगे इसको, आज इसको खूब सुनाएंगे, ये सब संबंध का चल रहा है, विरोध का चल रहा है। तो आप जैसा है अगर उस स्थिति को देखें तो कभी संबंध चलता है और कभी लेकिन सहज स्वीकार तो अगर देखने का है तो जैसा आप है उसमें ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, लेकिन जो सहज स्वीकार है वो निश्चित है। आज पूछ रहे हैं तो उत्तर निश्चित आ रहा है, कल पूछा तो भी उत्तर आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, अगर 10 साल बाद भी आकर पूछेंगे तो यही आएगा, सहज स्वीकृति में कि बदल जाएगा, बदल सकता। हो सकता है किसी के लिए आज संबंध हो, 10 साल बाद वो हो जाए, आज सम्मान हो 10 साल बाद, 10 साल तो शायद बहुत दूर है, अभी सम्मान हो रहा हो ना, अभी लंच ब्रेक कहते तो क्या चलने लगे, तो ये बदल सकता है, लेकिन इसको 10 साल बाद भी पूछे तो ये बदलता नहीं है, निश्चित रहता है, इसमें बदलाव नहीं आता। और देखेंगे आप लोग जैसे अभी 11-12 साल 13 साल के तो ये उत्तर आए, आप घर के लोगों से भी पूछेंगे ना तो सहज स्वीकृति में उत्तर उनका यही है, इधर वाला बदल सकता है लेकिन ये वाला उत्तर नहीं सकेगा। जांचिएगा अगर समय हो, घर पे बातचीत का अवसर हो तो जांच के देखिएगा कि जो आपको सहज स्वीकार है वही उनको होगा कि नहीं। जैसे इतने सारे लोग हैं बच्चे बैठे हैं ना, अलग अलग दूर दूर से आए,
सहज विकृति में सबका उत्तर एक ही जैसा आ रहा है क्या? अलग अलग आ रहा है। सहज विकृति में एक जैसा आ रहा है, ये वाला उत्तर तो सब एक जैसा बोल रहे हैं। ये वाला अलग अलग बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं ये वाला अलग अलग, इसमें अलग अलग आ रहा है। सहज विकृति की क्या पहचान है कि आप पूछिए सहज विकृति से तो आज भी वही उत्तर आएगा, कल पूछे होंगे तो कल भी वही आएगा, 10 साल बाद पूछेंगे तो भी वही आएगा। यानी समय के साथ सहज विकृति में कोई बदलाव नहीं है। आप 12 साल की उम्र के हैं, पूछते हैं तो जो उत्तर आता है सहज विकृति का वही उत्तर है, कि बुजुर्गों से पूछेंगे तो भी आएगा। आपसे पूछे आपको क्या सहज स्वीकार है, संवाद भी अपमान पूछ के देखिएगा, तो जो आपको सहज स्वीकार है वही उत्तर उनका भी आएगा। आप पूछे आपको विश्वास सहज स्वीकार है या विश्वास, समय के साथ बदलता है कि निश्चित रहता है? समय के साथ निश्चित रहता है या यूं लिखते हैं कि नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। एक बात और पूछ लेता हूँ, फिर एक बात और पूछ लेता हूँ। तो सहज स्वीकृति के बारे में दो बात कम हो रही, क्योंकि एक आज सहज स्वीकृति का उत्तर ढूंढिए, कल ढूंढिए, 10 साल बाद ढूंढिए, एक के साथ आप अपने से पूछिए, बड़े लोगों से पूछिए, तो छोटे भाई बहनों से पूछिए, तो भी उत्तर एक के साथ। एक तीसरी बात, जैसे आप सब लोग भोपाल के हैं, मैं कानपुर का हूँ, अगर भोपाल के लोगों से भी पूछे तो वही उत्तर आता है, कानपुर के लोगों से भी पूछे तो नहीं, किसी दूसरे देश के लोगों से भी पूछे तो नहीं। तीसरी बात है एक जैसा बल्कि ये कहना चाहिए सभी ध्यान से देखो, ये लिखे क्या हर देश के लिए लिखे
किससे बात करें? अनिल का बात है। तो सहज स्वीकृति की तीन पहचान। पहली पहचान कि ये समय के साथ सही है, आज पूछे तो भी वही उत्तर आएगा, दो साल बाद भी वही उत्तर आएगा, अलग अलग लोगों से पूछे तो भी उत्तर एक जैसा आता है, अलग अलग जगह पर पूछे लोगों से तो भी उत्तर सहज स्वीकृति एक जैसी बनी है। जैसे आप लोग जब 5 साल के रहे होंगे तब क्या आप लोगों को अपमान सहज स्वीकार होता था कि सम्मान? आज भी वही हो, घर पे जाके आप पूछिए, यहाँ पूछिए तो भी वही उत्तर है, यहाँ के शिक्षकों से पूछिए, घर के माँ बाप से पूछिए तो भी उत्तर सहज स्वीकृति की पहचान समय के साथ नहीं बदलता, लोगों के साथ नहीं बदलता और हर स्थान पर। तो जैसा सहज स्वीकार है आपको, जब आपकी स्थिति वैसी होती है, आप जब वैसा ही सोच रहे होते हैं, वैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं, तो आप अपने में आराम महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, जैसे आपको सहज स्वीकार सम्मान है, और आप जब सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहे होते हैं तो उसमें आराम मिलता है, परेशानी मिलती है, और जब सहज स्वीकार सम्मान और अपमान का व्यवहार कर रहे होते हैं तो जैसे कई बार जब आप अपने भीतर सोच रहे हैं, विचार चला रहे हैं, सम्मान का विचार कर रहा है ना, सम्मान का मतलब कि मैं इसके साथ किससे देंगे, इसका किससे बात करेंगे, इसकी बात सुनेंगे, ये सब विचार चल रहा होता है, तो आप अपने भीतर बेचैनी महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा चल रहा होता है, आज चलेंगे, आज चार दोस्त मिल करके इसको आधार बुलाएंगे, इसको घेरेंगे, इसका अपमान करेंगे, इससे बता लेंगे, ये सब चल रहा होता है, तो अपने में आराम महसूस होता है, बेचैनी महसूस होता है। तो ये जो अपने में आराम महसूस हो रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं? अभी जो बेचैनी महसूस हो रही है, इसी को क्या कह रहे हैं? सुख क्या है? जैसा आपको होना सहज स्वीकार है, जब आप वैसे ही होते हैं तो अपने में एक हार्मनी महसूस होती है, इसी को क्या कह रहे हैं? और जैसा आपको सहज स्वीकार है, जब आप वैसा नहीं होते तो अपने में दिस आर्मनी महसूस होती है। तो दिस आर्मनी ही क्या है? आर्मनी को हम लिख सकते हैं हिंदी में संगीत या फिर व्यवस्था। डिसहार्मनी को लिख सकते हैं अंतर्द्वंद या अव्यवस्था। जैसा होगा आपको सहज स्वीकार, वैसा जब आप सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, इसी को कहा हार्मनी, इसी को आप कहते हैं सुख आराम। और सहज स्वीकार कुछ और है और आप हैं कुछ और, इसी को कह रहे हैं अंतर्द्वंद अव्यवस्था। इस हाल में इतनी बात कल तक हुई, आज यहां से आगे की बात लिखने का काम तो कल हुई है, आज इस पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, ब्रेक के बाद और के डिटेल चर्चा। दो प्रश्न मैंने यहां लिखे, एक प्रश्न लिखा है क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा चाहना है, ध्यान देंगे थोड़ा, असाइनमेंट वाली कॉपी को मान लें,
तो क्या प्रश्न है? तो हमारी जिंदगी में एक प्रश्न ये होता है कि क्या करना है, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न क्या, क्या सिर्फ इतना प्रश्न पर्याप्त है या ये भी सोचना पड़ेगा कि उसको करना कैसे, दोनों सोचना पड़ेगा ना। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिंदगी में, क्या करना है और उसको कैसे करना है, ये दो, ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या नाम आपका? अच्छा, ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। कौन से दोनों प्रश्न? प्रश्न कौन से दो प्रश्न? आप सुन नहीं रही, सुना रही थी। तो दो प्रश्न महत्वपूर्ण है, कौन कौन से? क्या करना है, कैसे? अब आप लोग की जगह बदल दूंगा। हाँ वही तो गड़बड़ हो रहा है कि आप बता रहे हैं और वो सुन रहे हैं। ना आपको सुन रही हूँ, हमको सुन रही हूँ, वो आपको सुना रही है, आप उसको सुना रही है, और हम तीसरे सुना रहे, तीनों सुना रहे, उसको कोई नहीं ना। तो कैसे काम चलेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमने कहा दो महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा चाहना, प्रश्न बनता है अपने मन में। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि एक बार तय हो गया कि हमको ये करना है, तो फिर अगला प्रश्न बनता है कि उसको कैसे करना है। क्या ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है या किसी को छोड़ा जा सकता है? दोनों। कौन से प्रश्न के उत्तर को करने अगर आपको ये पता ही नहीं है क्या करना है और आप कैसे करना है तो ढूंढने लग जाए तो निकलेगा। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो ट्रेन में बैठने के लिए कुछ टिकट लेना पड़ता है। यस सर। तो आप टिकट लेने के लिए टिकट के फिर खिड़की पे जाते हैं और कहें कि मैं टिकट दे दूं, तो वो पूछे कहाँ जाना है, तो आपके यहाँ तो वो देना लेकिन आप टिकट दे दो, लेकिन ऐसी ट्रेन का टिकट दो जो सबसे तेज चलती हो, टिकट मिल जाएगा? पूछेगा नहीं कहाँ जाना है, आप फिर बोले हमको दे बाबू, हमको टिकट ऐसी ट्रेन का चाहिए जो पूरा एयर कंडीशन हो, एसी लगा हुआ पूरी ट्रेन और सबसे तेज चलने वाली है और बिल्कुल नई बनी हो। देखिए वैसे ही हो गया कि हमको क्या करना है उसको तय किए बने, क्या करने लग गए, कैसे करना है। तो जैसे आप देखेंगे तो सुबह आप उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, स्कूल जाना है, पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, फिर अगली क्लास में चले जा रहे हैं, फिर अगली क्लास में चले जा रहे हैं, फिर साल भर आप उसी तरह से सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बैग पीठ पे ला रहे हैं, दौड़ के स्कूल आ रहे हैं, डांट खा रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, पास हो गए, नंबर अभी कहाँ है, क्या मारे जगह आ रहा है, लड़ाई हो रहा है, टैक्सी हो रही, फिर पास हो गए फिर क्लास में चले जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। लेकिन ये सब करके क्या पाना है, क्या करना है, हमको शोध के बाद फाइनली क्या हमको चाहिए, और वो अगर हमको ध्यान में नहीं है तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर हमको पता नहीं है, कैसे करना है उसमें पूरा दौड़े चले जा रहे हैं, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, इसलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देना, क्या करना है और कैसे, उसमें भी पहला उत्तर किसका हो, क्या, फिर कैसे। तो आपके दोनों कल की चर्चा में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा था, क्या करना है, सुखी होना है और समृद्ध लिख लीजिएगा आराम से, हम कल तो क्या कर लेते हैं तो लिख लेते हैं, लिखने के लिए बोल अभी कॉपी बंद हो गई, अभी कॉपी बंद बोर्ड पे मैं इतनी जल्दी से मिटाता नहीं हूँ ना, मिटाने से पहले बोल,
आप इसको आपको बंद नहीं कर लो, करें चर्चा करें, पानी बंद कर, चर्चा के दौरान कॉपी बंद, कॉपी बंद करना है काम में, ठीक आप ही बोल रहे होंगे तो चल क्या चल रहा है, तो हमने कहा कि कल जो हमने इस बात की चर्चा की कि क्या करना था उत्तर निकाला, क्या सुखी होना है और सफल सुखी सफल हो गए, इसके अलावा भी कुछ करना चाहते जो छूट रहा है इसमें जोड़ दिया, जिंदगी में सुखी समृद्धि चाहते हैं, सुखी समृद्धि हो गए तो इसके अलावा भी कुछ ऐसा चाहते हैं जो छूट रहा है इसमें जोड़ दिया, वो क्या है कोई लोग बताए, संबंध तो उसके साथ ही हो जाएगा सुख होने के लिए, सही समझ, सही समझ में शामिल हो जाएगा सुख समृद्धि में, जब हम तीनों शामिल हो रहा ना तो बाकी का प्रयत्न तो करके तो सुखी समृद्ध हो जाए, और क्या छूट रहा है, जब सुखी हो गए समृद्ध हो गए तो कुछ और ऐसा है जो आप चाहते हैं करना और छूट रहा, जो आप होना चाहते हैं और वो छूट रहा है, सहज स्वीकृति से जिए गए तभी तो सुखी होंगे, तो सुखी होने के लिए सहज स्वीकृति तो पहले ही आ गया, कुछ और ऐसा है जो होना चाह रहे हैं कि आपका ये लक्ष्य है और उसकी समृद्धि में शामिल नहीं छूट गया, कुछ और इसके अलावा आप तो बनने वाला तो शामिल है ना, ये बने कभी तो जाके होने में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बस सुखी होना चाहते हैं समय, ये सुखी समय एक दिन के लिए होना चाहते हैं हमेशा था मतलब कि इस घंटे भी और लंच से पहले भी और लंच के बाद भी, या खाली लंच करते समय और डिनर करते समय, हाँ सर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं समृद्ध होना चाहते हैं और इस दोनों की क्या चाहते हैं निरंतरता, यानी हम हर क्षण हर दिन हर पल सुखी रहना, हर दिन हर पल हर क्षण हम समृद्धि को महसूस करना निरंतरता, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं सुख लिखने का काम बाद में करते हैं, टॉपिक को बंद कर अभी हम लोग की पढ़ाई क्या हो गया, परीक्षा महत्वपूर्ण मानने लगे, परीक्षा महत्वपूर्ण भी नहीं मानने लगे बल्कि नंबर को महत्वपूर्ण मानने लगे, नंबर को महत्वपूर्ण मानने लगे, इसलिए हम तो इस पर ध्यान रहता है कि हम कुछ लिख ले याद कर ले परीक्षा में लिख दे और नंबर आ, इसलिए लिखने में पहले जुट जाते हैं, लेकिन अगर ये ध्यान रहे तो सुखी होता है, और सुखी होने के लिए तो समझना पड़ेगा और पैसा देना होगा, नंबर लाने के लिए वो बात जब आप कह रहे हैं कि भाई याद करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा तो आपको बता दें कि परीक्षा कम देने वाले हैं कोई नंबर तो देने वाले नहीं, इसलिए आप उसकी चिंता से मुक्त हो जाइए, यहाँ जो भी बात हो रही है वो नंबर के लिए नहीं हो रही बल्कि किसके लिए हो रही समझने के जीने के लिए और किसके लिए सुखी हो, इसलिए लिखने वाले काम को पीछे रखें समझने वाले काम को पहले करें, क्या बात निकल के आ रही थी कि हम लोग सुख चाहते हैं समृद्धि चाहते हैं, कभी कभी नहीं चाहते बल्कि मैं कह रहा हूं इसलिए आपको भी ऐसे लगता है संदेह होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को उल्टा पूछिए, क्या हम दुखी होना चाहते हैं, क्या हम दरिद्र होना चाहते हैं, कोई दिन कोई पल कोई क्षण ऐसा चाहते हैं जिसमें हमको दुख दरिद्रता महसूस हो, क्या निकला कि हम सुखी होना चाहते हैं समृद्ध होना चाहते हैं और उसके ये बात ठीक हो रही है, यस सर, आप कुछ प्रश्न उठा देता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सुखी होंगे तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाएगी, या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने तो बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है कि सुख और दुख तो धूप छांव की तरह साथ साथ चलते हैं, सुना होगा ना, ये भी तो सुना होगा कि बिना दुख के सुख कैसे समझ में आएगा, आज दुख उठा लो तो कल सुख मिलेगा,
तो इन सब का क्या होगा? आपने तो जो पढ़ा है सुना है कि दुख और सुख तो साथ साथ चलेंगे, बिना दुख के सुख कभी नहीं आएगा। अब कई बार ऐसा भी लगता होगा कि सुखी हो गए तो कहीं ऐसा तो ना हो कि जिंदगी बहुत बुरी हो जाएगी, ये सारे प्रश्न तो हो गए ना, ऐसा सोचिएगा सारे प्रश्नों का, लेकिन प्रश्नों के साथ ही आप पलट के सोचिए कि कोई क्षण ऐसा है जिसमें आप दुखी होना चाहते, कोई क्षण ऐसा है जिसमें आप दरिद्र महसूस करना चाहते। एक अनुमान को लगता है कि हम सुख और समृद्धि चाहते हैं, हम सुख और समृद्धि चाहते हैं और दोनों ही लेकिन मांगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो गलत चीज मांगे, इसकी जांच जारी रखिए, मानिएगा नहीं बात के इस पर हम तो बात करेंगे बहुत डिटेल, लेकिन लेकिन कुछ दस और मैं पूछ दे रहा हूँ, जैसे एक प्रश्न पूछ दे रहा हूँ, सुख क्या है, खुशी क्या है, पानी क्या, बोले वाटर, वाटर क्या, जल, जल क्या, पानी, गोल गोल घूम गए पानी के बिना नहीं आया, ऐसे सुख में गोल गोल घूम रहे, समृद्धि क्या, खुशहाली क्या, चाहते हैं इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहते, दूसरा ये कि सुख का क्या मतलब है उसके बारे, तीसरा ये कि समृद्धि का क्या मतलब है उसके बारे, ठीक है। तो हम लोग ब्रेक करेंगे 20 मिनट बाद 10 मिनट 10 मिनट 10-20 मिनट 10-25 मिनट वापस।